भाई पीछे तक होना चाहिए, जो पीछे स्टूडेंट्स बैठे हैं भारत माँ की जय के लिए पूरे एक हाथ उठा करके जय घोष होना चाहिए। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक लक्ष्मण सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के बिना ही ध्वजारोहण किया। आपको यह सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन हम आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल विधायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर मालार्पण किए बिना ही सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंच गए, जबकि प्रशासनिक अधिकारी मूर्ति के पास उनका इंतजार करते रह गए। प्रशासनिक अधिकारी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम खत्म हो चुका था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम से पहले रिहर्सल नहीं की गई, या वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कार्यक्रम को हैंडल कर लेंगे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के बैठने के लिए दरी तक भी उपलब्ध नहीं कराई गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में खानापूर्ति करना ही मकसद था। वहीं पूरे मसले पर विधायक लक्ष्मण सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सीधे एक बार फ्लैग के पास आ जाएं कि हमारा सबसे पहले जो है मुख्य अतिथि जी जो हैं आज के इस कार्यक्रम में, मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन एक बार इनका, और मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र प्रार्थना कि समारोह स्थल पर जो है उनका आगमन हुआ है, शुभ आगमन, और हम फ्लैग सेरेमनी। ये लहराता हुआ तिरंगा बड़ा प्यारा लगता है और जोरदार तालियां। नहीं, वो ऐसे कोई कारण नहीं रहा होगा, क्योंकि क्या तक आगे जो पायलट गाड़ी थी वहाँ उस समय उन्होंने सीधे ले आए थे, क्योंकि और फिर प्रशासन हमारा गया है, प्रशासन वहाँ पर रुका। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को छोड़ के संविधान निर्माता है, ऐसा कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। तो वो तो हमारे बहुत सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, और उन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया है जो सबके लिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा का संचालन ठीक से हो सके, इसलिए ऐसी कोई नहीं है। और छोटी मोटी भूल ये हुई होगी, लेकिन हमने प्रशासन सर तिरंगे पे एसडीएम साहब नहीं पहुंच पाए, ध्वजारोहण के समय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद, वो ध्वजारोहण पे इसलिए नहीं ना कि वो बीच से निकाल ले आए थे पायलट गाड़ी को, और वो फिर वहाँ पे गए अंबेडकर मूर्ति पर। तो कारण क्या रहा सर इसके पीछे, कारण क्या रहा, कहीं मिस मैच था क्या, वजह रिहर्सल नहीं की प्रोग्राम की पहले? अब ये तो प्रशासन से ही हम बात करेंगे, क्योंकि मैं तो रिहर्सल में था। सर आज जो कार्यक्रम था, नेशनल प्रोग्राम था, इसमें काफी शहीद हमारे इलाके के रह गए जिनको सम्मानित नहीं किया गया, ये क्या कारण है, किस प्रकार से सम्मानित नहीं करते, काफी की तैयारी की? देखिए शहीद ऐसा कुछ नहीं है भाई, रह गए होंगे, कई बार तो मैं अनाउंसमेंट यहाँ से हो रही थी, बहुत सारे शहीद आए भी नहीं, कुछ नाम उनके नहीं परिवार से भी नहीं आए, नाम भी नहीं आए, नाम ही अनाउंस नहीं किए गए। वो मैंने प्रशासन को कहा है कि जो शहीद आए नहीं और जिनके नाम छूट गए, उनका सबका सम्मान उनके घर पहुंचाएंगे। सर गांव में गौरव पट्टिका पर आजादी के दीवानों के नाम से स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं, लेकिन देखते हैं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ शहीदी सम्मान जो किया जाता है उसमें बुलाया नहीं जाता है। नहीं, उनके सबके परिवार को बुलाया गया आज, और मैंने सबसे पहले संबोधन ही उनका किया, IN के जो परिवार के हैं उनको सबसे संबोधन वहाँ से मैंने शुरू किया। सर ये बच्चे जो धूप में बैठे हैं, इनके ऊपर टेंट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या कारण है? ये तो प्रशासन को मैं पूछूंगा जी। ठीक है।